ब्रह्म विवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में सखियों द्वारा श्री कृष्ण की निंदा एवं प्रशंसा और उद्धव का मूर्छित हुई राधा को सांत्वना प्रदान करना। श्री नारायण कहते हैं, मुनि राधिका को मूर्छित देखकर उद्धव को महान विस्मय और भय प्राप्त हुआ। वे राधा की सच्ची भक्ति और अपने को कहने मात्र का भक्त जानकर तथा भाग्यवती सती राधा की ओर देखकर सारे जगत को तुच्छ समझने लगे। तंतर मृतक तुल्य पड़ी हुई राधा को होश में लाते हुए उनसे बोले, उद्धव ने कहा, कल्याणी होश में आओ। जगन माता तुम्हें नमस्कार है। तुम्हें पूर्व जन्म कृत समस्त कर्म हो, अब तुम्हें श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करोगे। तुम्हें श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे। तुम्हारे दर्शन से विश्व पवित्र हो गया और तुम्हारी चरण रस से पृथ्वी पावन हो गई। तुम्हारा मुख परम पवित्र है और तुम्हारे स्पर्श से गोपिकाएं पुण्यवती हो गई। लोक गीत तथा मंगल स्तोत्रों द्वारा तुम्हारा ही गान करते हैं। वेद तथा सनक आदि महर्षि तुम्हारी उत्तम कीर्ति का, जो किए हुए पापों को नष्ट करने वाली पुण्यमयी तीर्थ पूजा स्वरूपा निर्मल हरि भक्ति प्रदायिनी कल्याणकारिणी और संपूर्ण विघ्नों का विनाश करने वाली है, सदा बखान करते हैं। तुम्ही राधा हो, तुम्ही श्री कृष्ण हो, तुम्ही पुरुष हो, तुम्ही पराप्रकृति हो। प्राणी तथा श्रुतियों में कहीं भी राधा और माधव में भिन्नता नहीं पाई जाती। तंत्र राधिका को मूर्छित देखकर उन उद्धव को पीछे करके और स्वयं राधा के आगे खड़ी होकर माधवी गोपी बोली, माधवी ने कहा, कल्याणी श्री कृष्ण तो चोर हैं, उनका कौन सा उत्तम रूप और वेश है? उनके सुख और वैभव ही क्या है? कोई अनुभव गौरव भी तो नहीं है। उनका कौन सा प्रकर्म ऐश्वर्य अथवा दुर्लंग शौर्य है? उनमें कौन सी सिद्धता एवं प्रसिद्धि है? तुम्हारे सदृश उनमें कौन सा उत्तम गुण है? वे यहाँ कहीं से आगे हैं और पुनः कहीं चले गए। वे गोप वेशधारी बालक ही तो है ना, कोई राजपुत्र अथवा विशिष्ट पुरुष थोड़े ही हैं। फिर तुम व्यर्थ उन नंद नंदन गोपाल की चिंता में क्यों पड़ी हो? अरे यतन पूर्वक तुम अपने आत्मा की रक्षा करो, क्योंकि आत्मा से बढ़कर प्रिय दूसरा कोई नहीं है। तंत्र मालती ने श्री कृष्ण की निंदा करते हुए अंत में राधा से कहा, मूढ़े तुम व्यर्थ किसकी चिंता में पड़ी हो? ये अत्यंत दारुण शोक छोड़ दो और यतन पूर्वक अपनी रक्षा करो, क्योंकि अपने आत्मा से बढ़कर प्रिय दूसरा कोई भी नहीं है। इस पर पद्मावती ने फिर चंद्रमुखी ने श्री राधा के कृष्ण प्रेम की प्रशंसा करते कहा, देवी मेरी सखी ने आहार का त्याग कर दिया है, अतः केवल सांस चलने से ये जीवित प्रतीत होती है। इसलिए अब तुम अपने मुख से श्री कृष्ण की प्रशंसा करो, क्योंकि श्री कृष्ण के नाम स्मरण से, उनकी गुणगाथा के श्रवण से और उनके शुभ समाचार के सुनने से इनमें सहसा चेतना लौट आती है। तदंतर शशिकला ने कहा, माधवी ब्रह्मा आदि देवता तथा चारों वेद जिनके ध्यान में मग्न रहते हैं, जिनके देवताओं द्वारा अभिषित चरण कमल का संत लोग सदा ध्यान करते हैं, पद्मा सरस्वती दुर्गा अनंत सिद्धेंद्र मुनेन्द्र मनुगण और महेश्वर भी जिन्हें नहीं जान पाते, उन परमात्मा श्री कृष्ण को तुम क्या जानती हो? जो सर्वात्मा है उनका कैसा रूप, जो निर्गुण है उनके कैसे गुण? सत्य स्वरूप भगवान के जिस सत्य स्वरूप का वर्णन किया गया है, जो सुखदायक आनंददायक रमणीय भक्त अनुग्रह मूर्ति लीला धाम और मंगलों का आश्रय स्थान है, जिनकी लावण्यता करोड़ों कामदेवों से बढ़कर है, जिस जन मनोहर रूप से बढ़कर अनिर्वचनीय कोई भी रूप नहीं है, उसी मनोहर रूप को श्री कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए धारण करते हैं। मंदाकिनी का मीठा जल, जिनके मधुर पाद पद्मों का धोवन है, जिसे प्रातपर सर्वेश्वर शंकर भक्ति पूर्वक अपने सिर पर धारण करते हैं, विरक्त होकर सदा उन तीर्थ कीर्ति श्री कृष्ण का कीर्तन करते रहते हैं, तथा आहार भूषण और वस्त्र का परित्याग करके दिगंबर होकर भक्ति के आवेश में क्षण भर में नाचने लगते हैं, उन क्षण भर में गाने लगते हैं। ब्रह्मा शेष सनत कुमार और योगवेता सिद्धों के समुदाय उनके परम निर्मल शुभ्र ब्रह्म ज्योति स्वरूप का ध्यान करके तपस्या एवं सेवा द्वारा जीवन यापन करते हैं। उन श्री कृष्ण की महिमा कौन जान सकता है?
फिर सुशीला ने श्री कृष्ण की प्रशंसा करते हुए कहा, सखी ब्रह्मा जो वेदों के उत्पादक एवं ईश्वर हैं, जिन श्री कृष्ण की सूत्र द्वारा स्तुति करते हैं, वे माधवी उन्हीं सत्य नित्य परमेश्वर की नित्य निंदा कर रही है, अतः ये सभा अपावन हो गई है और गोपियों का जीवन तो व्यर्थ ही हो गया। इन गोपियों में केवल श्री राधा ही पुण्यवती हैं, क्योंकि ये रात दिन उन श्री कृष्ण का ध्यान करती रहती हैं, जिनके नाम स्मरण मात्र से करोड़ों जन्मों में एकत्र किए हुए पाप का भय और शोक पूर्णता नष्ट हो जाता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तदंतर रत्नमाला और परिजाता श्री कृष्ण की महिमा बखानते हुए बोली, प्रिय ब्रह्मा ने जिस विश्व ब्रह्मांड की रचना की है, वह मां विष्णु के रोमकूप में अनु के सदृश स्थित है, क्योंकि उन विष्णु के शरीर में जितने रोए हैं उतने ही विश्व उनमें वर्तमान हैं, और वे महाविष्णु इन परमात्मा श्री कृष्ण के 16वें अंश हैं। तब भला श्री कृष्ण के यश शौर्य और अनुपम महिमा का क्या बखान किया जा सकता है, अथवा ये गोप कन्या माधवी उसे क्या जान सकती है। इस पर माधवी ने अपने कथन का तात्पर्य समझाया। उनके उस वचन को सुनकर उद्धव के सारे शरीर में रोमांच हो आया। वे भक्ति विहल होकर रुदन करते हुए मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। तत्पश्चात परमेश्वर श्री कृष्ण का ध्यान करके वे अपने को तुच्छ मानने लगे और भक्तिपूर्वक उस गोपी से बोले। उद्धव ने कहा, सातों दीपों में मनोहर जम्बू दीप धन्य एवं प्रशंसनीय है। उसमें श्रेष्ठ भारतवर्ष जो पुण्य और मंगलों का दाता है, गोपियों के चरण कमलों की रस से पावन और परम निर्मल होकर और भी धन्यवाद का पात्र हो गया है। इस भारतवर्ष में नारियों के मध्य गोपिकाएं सबसे बढ़कर धन्य और मान्य हैं, क्योंकि वे उत्तम पुण्य प्रदान करने वाली श्री राधा के चरण कमलों का नित्य दर्शन करती रहती हैं। इन्हीं राधिका के चरण कमलों की रज को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा ने 60,000 वर्षों तक तप किया था। ये पराशक्ति राधा गोलोक में निवास करने वाली और श्री कृष्ण की प्राण प्रिया है। जो जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, वे राधा के भी भक्त हैं। ब्रह्मा आदि देवता गोपियों की 16वीं कला की भी समानता नहीं कर सकते। श्री कृष्ण की भक्ति का मर्म पूर्ण रूप से तो योगी राज महेश्वर, राधा तथा गोलोकवासी गोप और गोपियां ही जानती हैं। ब्रह्मा और सनत कुमार को कुछ कुछ ज्ञात है, सिद्ध और भक्त भी स्वल्प ही जानते हैं। इस गोकुल में आने से मैं धन्य हो गया। यहां गुरु स्वरूप गोपिकाओं से मुझे अचल भक्त हरि भक्ति प्राप्त हुई, जिससे मैं कृतार्थ हो गया। अब मैं मथुरा नहीं जाऊंगा और प्रत्येक जन्म में यही गोपियों का किंकर होकर तीर्थ श्रवा श्री कृष्ण का कीर्तन सुनता रहूंगा, क्योंकि गोपियों से बढ़कर परमात्मा श्री हरि का कोई अन्य भक्त नहीं है। गोपियों की जैसी भक्ति किसी में नहीं है। गोपियों ने जैसे भक्ति प्राप्त की है, वैसी भक्ति दूसरों को नहीं नसीब हुई। तंत्र कलावती और तुलसी के द्वारा श्री कृष्ण की महिमा कही जाने के बाद कालिका ने कहा, बुद्धिमान उद्धव, बाल युवा और वृद्ध तीनों प्रकार के मनुष्य तथा जो देवता आदि और सिद्धगण हैं, वे सभी उन महेश्वर श्री कृष्ण को जानते हैं। इस समय उन मूर्छित हुई राधा को जगाना ही युक्त है, अतः इसके लिए जो प्रधान युक्ति हो उसके द्वारा इन्हें चैतन्य करो। तब उद्धव जी बोले, कल्याणी चेत करो जगन माता, मेरी ओर ध्यान दो, मैं कृष्ण भक्त किंकर का भी किंकर उद्धव हूं। मां मुझ पर कृपा करो, मैं पुनः मथुरा जाऊंगा, क्योंकि मैं स्वतंत्र नहीं हूं बल्कि कठपुतली की भांति पराधीन हूं, तथा जैसे बैल सदा हलवाहे के वश में रहता है, उसी तरह मैं श्री कृष्ण के अधीन हूं। श्री नारायण कहते हैं, नारद, उद्धव के वचन सुनकर राधिका की चेतना लौट आई। वे उठकर उत्तम रथ सिंहासन पर जा विराजी। उस समय 7 गोपियां भक्तिपूर्वक श्वेत चवरों द्वारा उनकी सेवा कर रही थी। तब देवी राधिका दुखित हृदय से उद्धव से मधुर वचन बोली। राधिका ने कहा, बस तुम मथुरा जाओ, परंतु वहां सुख में पड़कर मुझे भूल मत जाना।
यदि भूल जाओगे तो इस भाव सागर में तुम्हारे लिए इससे बढ़कर दूसरा अधर्म नहीं है। इस समय तुम जाकर परम अनंत स्वरूप श्री कृष्ण से मेरी सारी बात कह सुनाओ और शीघ्र मेरे स्वामी को यहां ले आओ। भला जगत की युवतियों में किसको ऐसा दुख है? श्री कृष्ण के वियोग जन्य दुख को मेरे अतिरिक्त और कौन जानती हैं? सीता को भी वियोग दुख कुछ कुछ ज्ञात है। त्रिलोकी में नारियों में मुझसे बढ़कर दुखिया कोई नहीं है। बेटा उद्धव, किस युवती को मेरे समान दुख है? भला कौन नारी मेरी मानसिक व्यथा को सुनकर विश्वास करेगी? स्त्रियों में राधा के समान दुखिया, विरह संतप्त और सुख सौभाग्य से ही नारी ना हुई है और ना आगे होगी। बस जिनके नाम श्रवण मात्र से पांचों प्राण पर हष्ट हो जाते हैं तथा जिनके स्मरण मात्र से वे प्रफुल्ल हो उठते हैं और आत्मा परम स्निग्ध हो जाता है, जिन्होंने मेरा स्पर्श किया इतने मात्र से ही जिससे तीनों भवनों में मुझे यश की प्राप्ति हुई, उन परमेश्वर का किस समृद्धि को पाकर मैं विस्मरण कर सकती हूं? तात, जो तीनों लोकों पर विजय पाने वाला रूप और गुण धारण करते हैं, जिन्हें ब्रह्मा ने नहीं रचा है बल्कि जो स्वयं ही ब्रह्मा के रचयिता हैं, जो कल्प वृक्ष से भी बढ़कर संपूर्ण वंश संपत्तियों के दाता, शांत लक्ष्मीपति, मन को हरण करने वाले सर्वेश्वर, सबके कारण स्वरूप ऐश्वर्यशाली परमात्मा हैं, उन ब्रह्मा के भी विधाता अपने स्वामी श्री कृष्ण को किस समृद्धि के प्रलोभन में पढ़कर मैं भूल सकती हूँ? तात, ब्रह्मा शिव और शेष आदि जिनके चरण कमल का ध्यान करते रहते हैं, उन प्रभु को मैं किस सुख के लोभ से विस्मृत कर सकती हूँ? पुत्र, जिन्हें सपनों में भी उनके अनुपम मनोहर रूप का दर्शन हो जाता है, वे सब कुछ त्याग कर रात दिन उन्हीं के ध्यान में मग्न हो जाती हैं। जिनके गुण से पर्वत पिघलकर पानी पानी हो जाता है, शुष्क काष्ट गीला हो जाता है, सूखे वृक्ष में नई कोपलें निकल आती हैं, वायु का वेग रुक जाता है तथा सूर्य और सागर स्थगित हो जाते हैं, उन प्रीतम को मैं किस समृद्धि की प्राप्ति से भुला सकती हूँ? भक्तवर, जो काल के काल हैं, परलयकालीन मेघ संहारकर्ता शिव और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के स्वामी हैं, जो स्वाधीन स्वतंत्र और स्वयं ही आत्मा नाम वाले हैं, उन प्रभु को मैं कौन सी संपत्ति पाकर भूल सकती हूँ? उन श्री कृष्ण से वियुक्त होने पर उन वियोगजन्य दुख की शांति के लिए कोई यथार्थ ज्ञान है ही नहीं जिसके द्वारा कोई विद्वान मुझे सांत्वना दे सके। सावित्री और सस्ती भी मुझे समझाने में समर्थ नहीं है। वेद और वेदांग भी मुझे ढांढस नहीं बंधा सकते। फिर संतों और देवताओं की तो बात ही क्या है। सहस्त्र मुख वाले शेषनाग, वेदों के उत्पादक ब्रह्मा, योगिंद्रों के गुरु शंभु और गणेश भी मुझे प्रबुद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि जिनकी स्थिति है उसी की गति का विचार किया जा सकता है। जिसका कोई मार्ग ही नहीं है उसकी गति कहाँ? सुख दुख शुभ अशुभ सभी काल द्वारा साध्य हैं। यहाँ तक कि जगत में सभी पदार्थ काल के वशीभूत हैं और वह काल दुर्निवार है। बस यदि तुम व्रजवास का परित्याग करके जाने के लिए उत्सुक की हो तो उठो और सुखपूर्वक इस रमणीय मथुरापुरी को जाओ, क्योंकि चिरकाल तक श्री कृष्ण से विलग रहना दुख का ही कारण होता है, उससे सुख नहीं मिलता। वहां जाकर तुम उनके जन्म मृत्यु और बुढ़ापे का विनाश करने वाले चंद्रमुख के दर्शन करो। राधिका के ऐसे वचन सुनकर तथा बंधु वियोग से कातर हुई राधिका को रोती देखकर उदा फूट फूट कर रोने लगी। तदंतर माधवी की प्रेरणा से उद्धव के पूछने पर श्री राधा ने उनको उपदेश दिया। वस जो लोकों के स्वामी काल के काल, जगत गुरु, निर्गुण, इच्छा रहित और ईश्वर हैं, उन परमात्मा का पंडित लोग भजन करते हैं। बेटा, सूर्य सभी प्राणियों की आयु को रात दिन के व्यास से क्षीण करते रहते हैं, परंतु जो श्रीहरि के शुद्ध भक्त हैं उन पुण्यवान संतों का उनका वश नहीं चलता। उदाहरण स्वरूप ब्रह्मा के चारों मानस पुत्र भगवत भक्त सनकादिकों पर दृष्टिपात करो।
उनकी आयु सदा सुस्थिर रहती है। वे उपनयन संस्कार रहित 5 वर्ष के शिशुओं की भांति सदा बाल रूप ही रहते हैं और उसी की अवस्था से वे एकादश रुद्रों, द्वादश आदित्यों और ज्ञानियों के गुरु के भी गुरु हैं। उनके हृदय विशाल हैं, मुखों पर प्रसन्नता छाई रहती है, वेग दिगंबर है, शीर्ष श्री कृष्ण के ध्यान से पवित्र हो गए हैं। वे विष्णु भक्ति प्रायण और तीर्थों को भी पावन करने वाले हैं। उन्हें वेद वेदांग और शास्त्रों की चिंता नहीं रहती, उनका मन प्रफुल्लित रहता है। वे रात दिन लगातार भक्तिपूर्वक श्रीहरि के ध्यान में तत्पर रहते हैं। उनके नाम सनक, सनंदन, तीसरे सनातन और चौथे सनत कुमार हैं। जो लोग इनका सब तरह से स्मरण करते हैं उन्हें तीर्थ स्नान जनित फल की प्राप्ति होती है। वे किए हुए पापों से मुक्त हो जाते हैं, उनके हृदय में हरि भक्ति उत्पन्न हो जाती है और वे हरि की दासता के भागी हो जाते हैं। इसके बाद मार्कंडू के पुत्र द्विजवर मार्कंडे को देखो, जो अपने कर्मवश लाखों वर्षों तक ब्रह्म तेज से प्रज्वलित होते रहे। तत्पश्चात श्री हरि की सेवा से उन्हें 7 कल्पों तक की आयु प्राप्त हुई। फिर वोडो, पंचिक, लोमश और आसुरी को देखो, ये संपूर्ण कर्मों का त्याग करके श्री हरि की सेवा में तत्पर और सदा श्री हरि के चरण का ध्यान करते रहते हैं। इनकी आयु 100 कल्पों की है। पुनः जमदग्नि नंदन, चिरंजीवी परशुराम, हनुमान, बलि, व्यास, अश्वस्थामा, विभीषण, विप्रवर कृपाचार्य और ऋक्षराज जामवान को देखो, वे सभी श्री हरि ध्यान करने से शुद्ध और चिरंजीवी हैं। उद्धव, इनके अतिरिक्त सिद्धेंद्रों, नरेंद्रों तथा अन्य मनुष्यों में जो श्री हरि की भावना करने से शुद्ध हो गए हैं वे सभी चिरंजीवी हैं। दैत्यों में श्री हरि से देश करने वाले द्रोणाचारी हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रह्लाद को देखो, वे श्री हरि के ध्यान में तल्लीन रहते हैं जिससे चिरंजीवी और काल जीत हो गए हैं। अनेक जन्मों की तपस्या के फल स्वरूप भारत में जन्म पाकर जो लोग उन श्री हरि की सेवा नहीं करते वे मूर्ख और पापी हैं। जो मनुष्य वासुदेव का परित्याग करके विषय में लवलीन रहता है वे महान मूर्ख है और शिक्षा अनुसार अमृत का त्याग करके विष पान करता है। इस भूतल पर किसकी स्त्री, किसका पुत्र और किसके भाई बंधु हैं? अर्थात कोई किसी का नहीं है, क्योंकि विपत्ति काल में श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई किसी का बंधु सहायक नहीं होता। इसलिए संत लोग रात दिन निरंतर श्री कृष्ण का ही भजन करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग के विनाशक, सर्व दुखारी परमेश्वर हैं। उन आनंद को भी आनंदित करने वाले परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण का भजन काल पर विजय पाने का उपाय है। इसके बाद श्री राधा ने मनुष्य, पितर, देवता, नाग, राक्षस और अन्य लोकों तथा युगों आदि की काल गति का वर्णन करके फिर कहा, वस अब तुम श्री हरि के नगर को जाओ। श्री नारायण कहते हैं, नारद, उद्धव को जाने के लिए उद्यत देखकर श्री हरि की प्रिया महासती राधिका गोपियों सहित तुरंत ही संतरस्त एवं सम उद्विग्न हो उठी। उनका हृदय दुख से भर गया। तब उन्होंने शीघ्र ही आसन से उठकर उद्धव के मस्तक पर हाथ रखा, उन्होंने शुभ आशीर्वाद दिया, फिर कोमल दुर्वा, अंकुर, अक्षत, श्वेत धान्य, पुष्प, मंगल द्रव्य, लावा, फल, पत्ता आदि धदी लाने की आज्ञा दी। तत्पश्चात गंध, संदूर, कस्तूरी और चंदन से युक्त तथा हल पल्लव से शोभित जलपूर्ण कलश, दर्पण, पुष्पमाला, जलता हुआ दीपक, लाल चंदन, पति, पुत्रवती साधी स्त्री, स्वर्ण और चांदी के दर्शन कराए। तंत्र दुखी हृदय वाली महासाधी राधिका नेत्रों से आंसू भरकर चरणों में पड़े हुए उद्धव से हितकारक सत्य गोपनीय मंगल वचन बोली। राधिका ने कहा, वस तुम्हारा मार्ग मंगल में हो, तुम्हें सदा कल्याण की प्राप्ति हो, तुम श्री हरि से ज्ञान लाभ करो और श्री कृष्ण के परम प्रिय हो जाओ। श्री कृष्ण की भक्ति और उनकी दासता सभी वरदानों में उत्तम वरदान है, क्योंकि हरि भक्ति सालोक्य, सारिष्टि, सामिप्य, सारूप्य और एकत्व इन 5 प्रकार की मुक्तियों से भी श्रेष्ठ एवं महत्वपूर्ण है तथा श्री हरि की दासता ब्रह्मत्व, देवत्व, इंद्रत्व, अमृत्व,
अमृत और सिद्धि लाभ से भी बढ़कर परम दुर्लभ है। अनेक जन्मों की तपस्या के फलस्वरूप भारतवर्ष में जन्म लेकर यदि हरि भक्ति की प्राप्ति हो जाए तो उसका वह जन्म परम दुर्लभ है। कर्म का क्षय करने वाले उस व्यक्ति का तथा उसके सहस्त्रों पितरों माता मातामहों सैकड़ों पूर्वजों सहोदर भाई बांधव पत्नी गुरुजन शिष्य और भृत्य का भी जीवन निश्चय ही सफल हो जाता है। बस जो कर्म श्री कृष्ण को समर्पण कर दिया जाए वही उत्तम कर्म है। जिस कर्म से श्री कृष्ण को संतुष्ट किया जा सके वही कर्म शुद्ध एवं शोभन है। संकल्प को सिद्ध करने वाला जो कर्म प्रीति एवं विधिपूर्वक किया जाता है वही मंगलकारक धन्य और परिणाम में सुख प्रदायक होता है। श्री कृष्ण के उद्देश्य से किया हुआ व्रत उपवास तपस्या सत्य भाषण भक्ति तथा पूजन केवल उनकी दासता प्राप्ति का कारण होता है। समस्त पृथ्वी का दान भूमि की प्रदक्षिणा समस्त तीर्थों में स्नान समस्त व्रत तप समस्त यज्ञों का अनुष्ठान संपूर्ण दानों का फल समस्त वेद वेदांगों का पठन पाठन भयभीत का रक्षण परम दुर्लभ ज्ञान दान अतिथियों का पूजन शरणागत की रक्षा संपूर्ण देवताओं का अर्चन मंदन मनोजे पुरशरण पूर्वक ब्राह्मणों और देवताओं को भोजन देना गुरु की शुश्रेवा करना माता पिता की भक्ति और उनका पालन पोषण करना ये सभी श्री कृष्ण की दासता की 16वीं कला की भी समानता नहीं कर सकते। इसलिए उद्धव तुम यतन पूर्वक उन प्रात पर श्री कृष्ण का भजन करो। वे निर्गुण इच्छा रहित परमात्मा ईश्वर अविनाशी सत्य परब्रह्म प्रकृति से परे परमेश्वर परिपूर्णतम शुद्ध भक्त अनुग्रह मूर्ति कर्मियों के कर्मों के साक्षी निर्लिप्त ज्योति स्वरूप कारणों के भी परम कारण सर्वस्वरूप सर्वेश्वर संपूर्ण संपत्तियों के दाता शुभदायक अपने भक्तों को भक्ति दास्य और अपनी संपत्ति प्रदान करने वाले हैं। अतः अशुभ कारक मात्सर्य तथा ज्ञाति बुद्धि को छोड़कर आनंद पूर्वक उन परम आनंद स्वरूप नंद नंदन का भजन करो। वेद की कौथमी शाखा में उनका सहस्त्र नाम नंद नंदन नाम से वर्णित है। नारद ये सब सुनकर उद्धव परम विस्मित हुए और उस संपूर्ण ज्ञान को पाकर ज्ञान से परिपूर्ण हो गए। तत्पश्चात उन्होंने अपने वस्त्र को गले में लपेट लिया और दंड की भांति भूतल पर लेटकर मस्तक के बालों से राधिका के चरणों का स्पर्श करते हुए बारंबार उन्हें प्रणाम करने लगे। उसमें भक्ति के कारण उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया था और नेत्रों से आंसू छलक आए थे। वे प्रेमवश तथा राधा के वियोगजन्य शोक से व्यथित होकर उस स्वर से रुदन करने लगे। तब उद्धव के प्रति प्रेम होने के कारण राधा और गोपियां भी रोने लगी। फिर उन्हें उद्धव का गला पकड़कर बिठाया परंतु उद्धव की चेतना लुप्त हो गई थी अतः वे जंभाई लेते हुए मूर्छित हो गए। उनकी ये दशा देखकर राधिका ने शीघ्र ही उन कृष्ण गत प्राण उद्धव को उठाकर बिठाया और उनके मुख कमल पर जल के छींटे देकर उन्हें चैतन्य कराया। नारद तत्पश्चात उन्होंने वश चिरंजीव यो शुभ आशीर्वाद दिया। तब उद्धव होश में आकर उस उत्तम सभा के मध्य रोती हुई गोपियों के सामने राधा से परमार्थ प्रद वचन बोले। उद्धव ने कहा, परम दुर्लभ जम्बो द्वीप सभी द्वीपों में धन्य और प्रशंसनीय है क्योंकि उसमें श्रेष्ठ भारतवर्ष है जिसकी सभी लोग कामना करते हैं। उस भारतवर्ष में वृंदावन नामक पुण्यवन है जो श्री राधा के चरण कमल के स्पर्श से गिरी हुई रस से पावन है और जिसके लिए देवगण भी ललायित रहते हैं। तीर्थ पावनी राधा के चरण कमल की रस से पावन हुई वहां की भूमि तीनों लोकों में धन्य मान्य श्रेष्ठ और पूजनीय मानी जाती है। पूर्व काल में ब्रह्मा ने गोलोक में राधिका और श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से पुष्कर क्षेत्र में विदोक्त विधि के अनुसार भक्ति पूर्वक 60,000 वर्षों तक दिव्य वर्षों तक तप किया परंतु उस समय स्वप्न में भी उन्हें गोलोक में राधिका और श्री कृष्ण के दर्शन नहीं प्राप्त हुए। तदंतर उन्हें लीला पूर्वक सत्य रूप आकाशवाणी सुनाई पड़ी जो इस प्रकार थी, ब्रह्मन
वाराकल्प के आने पर भारतवर्ष में पुण्य वृंदावन के मध्य जब परम रमणीय रास उत्सव प्रारंभ होगा, तब वहीं रास मंडल में देवताओं के बीच बैठे हुए तुम्हें राधिका और श्री कृष्ण के दर्शन होंगे, इसमें संदेह नहीं है। उस आकाशवाणी को सुनकर ब्रह्मा तपस्या से विरत हो अपने लोक को लौट गए। समय आने पर उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त हुए, जिससे उनका हृदय प्रसन्न और चिरकालीन मनोरथ परिपूर्ण हो गया। अतः इन गोप और गोपिकाओं का जन्म एवं जीवन सफल हो गया, क्योंकि वे नित्य श्री राधा के चरण कमल को, जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ हैं, देखती रहती हैं। योगेंद्र, मुनिन्द्र, सिद्धेंद्र तथा वैष्णव संत सभी राधिका की जो माननी पुण्यमय तीर्थों को पावन करने वाली सदा शुद्ध और अत्यंत दुर्लभ है, नित्य निरंतर सेवा करते रहते हैं, जिससे उनको राधा का वह चरण कमल सुलभ हो जाता है, जिसका मिलना ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। सर्व सर्वेश्वर परमात्मा श्री कृष्ण ने जिनके चरण कमलों की नखों को महावर से शोभित किया था, गोलोक में स्थित शचरिंग पर्वत पर रास मंडल में स्वयं श्री कृष्ण से सुदुर्लभ स्तोत्र राज द्वारा जिनकी पूजा की थी तथा जिनके चरण कमलों में कोमल दुर्वा अंकुर अक्षत गंध और चंदन निवेदित करके पारिजात पुष्पों की पुष्पांजलि समर्पित की थी, जो 36 सखियों को स्वामिनी और 30,000 करोड़ गोपियों की धीश्वरी है, जिसका राधिका नाम है, जो श्री कृष्ण की प्राणप्रिया और देवताओं की भी पूजनीय है, उन सर्वश्रेष्ठ राधिका से जो पापी द्वेष करते हैं अथवा उनकी निंदा और हंसी उड़ाते हैं, उन्हें 100 ब्रह्म हत्याओं का पाप लगता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। उस पाप के फल स्वरूप वे तप्त तेल, महाभयंकर अंधकार, कीट और पीड़ा यंत्रों से युक्त कुंभी पाक और रौरव नरक में अपनी 7 पीढ़ियों के साथ 14 इंद्रों की आयु पर्यंत यात्रा भोगते हैं। तत्पश्चात लोक जन्म के अनुसार वह एक जन्म में उस पाप के कारण 1,000 दिव्य वर्षों तक विष्टा के कीट होकर उत्पन्न होते हैं। इसके बाद उतने ही वर्षों तक कुलटाओं की योनि के रक्त और मल को खाने वाले कीट तथा मुआज चाटने वाले मल कीट होते हैं। यो कहकर जब उद्धव रोने लगे और जाने के लिए उद्यत हुए, तब उनसे श्री कृष्ण के वियोग से कातर हुई राधिका आंसू बहाती हुई पुनः बोली। श्री राधिका जी ने कहा, बस अब तुम मथुरापुरी को जाओ और यह सब माधव को बतलाओ। बेटा, मैं जिस प्रकार गोविंद के शीघ्र दर्शन कर सकूं, तुम्हें प्रयत्न पूर्वक वैसा ही करना चाहिए। अच्छा, अब जाओ, मेरा जन्म तो मिथ्या दुराशा से निष्फल की ही बीत गया, क्योंकि आशा ही परम दुख है और निराशा परम सुख है। तत्पश्चात गोविंद का ध्यान करके राधिका जीवन मुक्त हो गई। तंतर राधिका का पुनः वहां डा मार कर रोने लगी। तब रोती ही राधा को प्रणाम करके उद्धव यशोदा के भवन की ओर चले गए। नारद, उद्धव के चले जाने पर राधा मूर्छित हो गई, उसकी चेतना लुप्त हो गई, वे निरंतर ध्यान में तत्पर हो गई। मुनि, तब श्रेष्ठ गोपियों ने कमल सदृश नेत्रों से आंसू भरकर राधिका को गीली भूमि पर बिछे हुए जल युक्त कमल दल की शैया पर लिटाया, परंतु राधा के गात्र स्पर्श मात्र से ही वह शैया भस्म हो गई। तब सखियों ने विरह ताप से संतप्त हुई राधा को पुनः एक ऐसे कोमल आसन पर सुलाया, जिस पर मुलायम चद्दर बिछी हुई थी और चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया था, परंतु वह सुगंधित चंदन युक्त जल भी सहसा सूख गया। उस समय उद्धव के बिना राधा को एक निमेश 100 युग के समान प्रतीत होने लगा। वे कहने लगी, हा उद्धव, तुम जल्दी जाकर श्रीहरि को मेरी दशा बतलाओ और जो मेरे प्राणेश्वर हैं उन श्रीहरि को शीघ्र यहाँ ले आओ। तब संताप के कारण जिसकी चेतना नष्ट हो गई थी, उन राधा को ऐसे दीन वचन कहते देखकर सभी गोपियां उन्हें अपनी छाती से लगाकर रुदन करने लगी, फिर राधा को होश में लाकर उन्हें ढांढस बधाने लगी।
श्री कृष्ण द्वारा गोकुल का वृत्तांत पूछे जाने पर उद्धव का उसे कहते हुए राधा की दशा का विशेष रूप से वर्णन करना। श्री नारायण कहते हैं, नारद, तदंतर उद्धव यशोदा को प्रणाम करके उतावली के साथ हर्षपूर्वक खजूर कानन को बाएं करके जमुना तट पर गए। वहीं स्नान भोजन करके वे पुनः मथुरा को चल पड़े। वहां पहुंचकर एकांत में वट की छाया में बैठे हुए गोविंद को देखा। उस समय उद्धव शोक से दग्ध होने के कारण दुखी हो रो रहे थे। उनके नेत्रों से आंसू झर रहे थे। उद्धव को आया देखकर श्री कृष्ण का मन प्रफुल्लित हो गया। तब वे उद्धव से मुस्कुराते हुए बोले, श्री भगवान जी ने पूछा, उद्धव आओ, कल्याण तो है ना, राधा जीवित है ना, विरह ताप से संतप्त हुई कल्याण में गोपियों का जीवन चल रहा है ना, ग्वाल बालों तथा गोवत्सों का मंगल है ना, पुत्र विरह से दुखी हुई मेरी माता यशोदा का क्या हाल है, बंधु ये ठीक ठीक बतलाओ कि तुम्हें देखकर मेरी माता ने क्या कहा, तुमने उसे क्या उत्तर दिया तथा उसने मेरे लिए क्या कहा है, क्या तुमने वह जमुना तट, वृंदावन नामक पुण्यवन, जन शून्य एवं शीतल मंद सुगंध पवन से व्याप्त परम रमणीय रास मंडल, कुंज कुटीरों से घिरा हुआ रमणीय क्रीडा सरोवर और जिन पर भंवरे मंडवा रहे थे उन खिले हुए फूलों से परिपूर्ण पुष्पवाटिका देखी, क्या भंडीरवन में अत्यंत सघन छाया वाला एवं बालकों से संयुक्त वट वृक्ष तुम्हें दृष्टिगोचर हुआ, क्या गवों के गोष्ठ गोकुल और गो समुदाय देखने को मिला, यदि राधा जीवित है तो तुम्हारे द्वारा देखे जाने पर उसने मेरे लिए क्या संदेशा दिया है, बंधु वह सारा समाचार मुझे बताओ, क्योंकि मेरा मन स्थिर नहीं है, सभी गोपिकाओं ने क्या कहा है, ग्वाल बालों ने कौन सी बात कही है, मेरे पिता किसी अवस्था वाले वृद्ध गोपों ने क्या संदेशा दिया है, तात बलदेव की माता सती रोहिणी ने क्या कहा है तथा दूसरी प्रिय बंधुओं की पत्नियों ने कौन सी बात कही है, तुम्हें भोजन क्या मिला था, माता यशोदा तथा राधा ने कौन सी अपूर्व वस्तु उपहार में दी है, उन्हें किस ढंग से बातचीत की है और उनके वचन कैसे मधुर थे, उद्धव गोपो गोपियों शिष्यों राधा और मेरी माता का मेरे प्रति कैसा प्रेम है, क्या मेरी माता मुझे स्मरण करती है, क्या रोहिणी मुझे याद करती है, क्या मेरे प्रेम व्यय से व्याकुल हुई मेरी राधा को मेरा स्मरण रहता है, क्या गोपियों गोपों और ग्वाल बालों को मेरी याद आती है, क्या मेरे न रहने पर ही ग्वाल बाल भंडीर वन में वट वृक्ष के नीचे क्रीड़ा करते हैं, जहां ब्राह्मण पत्नियों द्वारा दिए गए अमृत उत्तम अन्न का मैंने नारियों और बालकों के साथ भोग लगाया था उस अभीष्ट स्थान को तुमने देखा है, इंद्रियाग स्थल श्रेष्ठ गोवर्धन तथा जहां ब्रह्मा ने गौओं का अपहरण किया था उस उत्तम स्थान को देखा है ना। श्री कृष्ण के ये प्रश्न सुनकर उद्धव सनातन भगवान श्री कृष्ण से ये शोक युक्त तथा मधुरता भरी वाणी बोले। उद्धव ने कहा, नाथ आपने जिस जिस का नाम लिया है वह सब मैंने इच्छा अनुसार देख लिया और इस भारतवर्ष में अपने जीवन और जन्म को सफल बना लिया। मैंने उस पुण्य में वृंदावन को भी देख लिया जो भारतवर्ष का सार रूप है। व्रजभूमि में उस वृंदावन का सार रूप परम रमणीय रास मंडल, उसकी सारभूता गोलोक वासिनी श्रेष्ठ गोपिकाएं, उसकी सारभूता जो प्रात परारासी श्री राधा हैं, उनके भी मैंने दर्शन किए हैं। वे कदली वन के मध्य कांत में चंदन चर्चित तैम जल युक्त पंकिल भूमि पर बिछे हुए कमल दल की शैया पर अत्यंत खिन्न होकर पड़ी थी। उन्होंने रत्न भारों को दूर फेंका था, उनका शीर श्वेत वस्त्र से आच्छादित था, वे अत्यंत मलिन एवं दुर्बल हो गई है, आहार छोड़ देने के कारण उसका उदर शीर्ण हो गया है, वे क्षण क्षण पर सांस लेती है, वहां सखियां निरंतर श्वेत चवर से उनकी सेवा कर रही हैं। हरे यो विरह ताप से पीड़िता श्री राधा क्या क्षण भर जीवित रह सकती है, अरे उन्हें तो इसका भी भान नहीं रह गया है कि क्या जल है और क्या स्थल है, क्या रात है क्या दिन है,
कौन मनुष्य है और कौन पशु है और कौन अपना है और कौन पराया है। वे बाह्य ज्ञान शून्य होकर तुम्हारे चरण के ध्यान में मगन है। वे त्रिलोकी में अपने उज्जवल यश से प्रकाशित हो रही है। उसकी मृत्यु भी कीर्तिदायिनी है, परंतु जगन्नाथ अज्ञानी चोर डाकू भी इस प्रकार स्त्री हत्या करना नहीं चाहते। अतः तुम शीघ्र ही अभीष्ट कदरी वन को जाओ, क्योंकि राधा से बढ़कर भक्त ना कोई हुआ है और ना कोई होगा। वे सब तरह से पीड़ित होकर अनाथ हो गई है। वसंत ऋतु, किरणधारी चंद्रमा और सुगंधित वायु उसके लिए दाह कारक हो गए हैं। तपाए हुए सन के समान उसकी चमकीली कांति इस समय कज्जल की तरह श्याम हो गई है और उसके केश स्वर्ण के से भूरे हो गए हैं। उन्हें उत्तम वस्त्र और श्रृंगार का त्याग कर दिया है। श्री कृष्ण, स्वयं भगवान ब्रह्मा जो देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, तुम्हारे भक्त हैं। योगिंद्रों के गुरु भगवान शंकर तुम्हारे भक्त हैं। ज्ञानियों में श्रेष्ठ गणेश और सनत कुमार भी तुम्हारा भजन करते हैं। भूतल पर जितने मुनिंद्र तुम्हारे भजन में लगे रहते हैं, परंतु राधा तुम्हारी जैसी भक्ति करती है वैसा भक्त कोई भी कहीं भी दूसरा नहीं। राधा जिस प्रकार तुम्हारे ध्यान में तल्लीन रहती है वैसा तो स्वयं लक्ष्मी नहीं कर सकती। महाभाग, मैंने राधा के सामने श्री हरि आएंगे यो स्वीकार कर लिया है। अतः तुम शीघ्र ही वहां जाओ और मेरा वचन सार्थक करो। उद्धव की बात सुनकर माधव ठठा कर हंस पड़े और वेदोक्त हितकारम एवं उत्तम सत्यव्रत का वर्णन करते हुए बोले, श्री भगवान जी ने कहा, उद्धव मैं तुम्हारे द्वारा अंगीकार किए गए वचन को अवश्य सफल करूंगा। मैं स्वप्न में माता यशोदा के तथा गोपियों के निकट जाऊंगा। ये सुनकर महायशस्वी उद्धव अपने घर चले गए और श्री कृष्ण स्वप्न में विरह आकुल गोकुल में जा पहुंचे। वहां उन्होंने स्वप्न में राधा को बड़ी भांति आश्वासन देकर परम दुर्लभ ज्ञान प्रदान किया। क्रीड़ा करके उन गोपिकाओं को यथोचित रूप से संतुष्ट किया। नींद में पड़ी हुई माता यशोदा का दुख पान करके उन्हें ढांढस बंधाया और गोपों और ग्वाल बालों को समझा बुझा कर वह पुनः वहां से चल दी। श्री नारायण कहते हैं, नारद, इसी समय तपस्वी गर्ग जी, जो सदा संयम में तत्पर रहने वाले और यदुवंशियों के कुल पुरोहित थे, वासुदेव जी के आश्रम पर पधारे। उनके सिर पर जटा थी तथा हाथ में दंड और छत्र शोभित थे। वे शुक्ल यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। उनके दांत और वस्त्र श्वेत थे तथा वे ब्रह्म तेज से उद्दीप्त हो रहे थे। उन्हें आया देखकर वसुदेव और देवकी ने सहसा उठकर भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और बैठने के लिए रथ सिंहासन दिया। फिर मधु पर कामधेनु और अग्नि शुद्ध वस्त्र प्रदान करके चंदन और पुष्पमाला द्वारा उनको भक्ति भाव सहित पूजा की। इसके बाद यत्नपूर्वक उन्हें मिष्टान, उत्तमन और मधुर पिष्टक का भोजन कराया और सुवासित पान का बीड़ा दिया। तदंतर गर्ग जी ने बलदेव सहित श्री कृष्ण को देखकर उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और पतिव्रता देव की तथा वसुदेव जी से कहा। गर्ग जी बोले, वसुदेव, जरा बलराम सहित अपने शुद्ध आचारी एवं श्रेष्ठ पुत्र श्री कृष्ण की ओर तो देखो। अब इनकी अवस्था उपनयन संस्कार के योग्य हो गई है, अतः मेरी इस बात पर ध्यान दो। वसुदेव जी ने कहा, गुरु, आप यदुवंशियों के पूज्य देव हैं, अतः उपनयन के योग्य ऐसा शुद्ध एवं शुभ मुहूर्त नियत कीजिए जो सत्पुरुषों के लिए प्रशंसनीय हो। तो गर्ग जी बोले, वसुतुल्य वसुदेव, परसों वह शुभ मुहूर्त है। उस दिन चंद्रमा और तारा अनुकूल है। वह दिन सत्पुरुषों को भी मान्य है, अतः उसी मुहूर्त में तुम उपनयन संस्कार कर सकते हो। इसके लिए यत्नपूर्वक सभी सामग्री एकत्रित करो और सभी भाई बंधुओं को निमंत्रण पत्र भी भेज दो। गर्ग जी के वचन सुनकर वसुपम वसुदेव जी ने सभी जाति बंधुओं के पास मंगल पत्र का भेज दी। फिर दो दही, घी, मधु और गुड़ की छोटी छोटी मनोहर नदियां तैयार कराई और नाना प्रकार के उपहारों की राशि तथा मणि, रत्न, स्वर्ण, मुक्ता, माणिक्य, हीरे, अनेक प्रकार के आभूषण और वस्त्रों की ढेरियां लगवा दी। इधर भक्त वत्सल श्री कृष्ण ने भी भक्तिपूर्वक देवगणों, मनिंद्रों, श्री सिद्धों और भक्तों का मन ही मन स्मरण किया। तंतर उस शुभ दिन के प्राप्त होने पर वे सभी उपस्थित हुए।
मुनि श्रेष्ठ, भांदो बहु से नरेश, देवकन्याएं, नागकन्याएं, राजकुमारियां, विद्याधरियां और बाजा बजाने वाले गंधर्व भी आए। ब्राह्मण, भिक्षुक, भट्ट, यति, ब्रह्मचारी, सन्यासी, अवधूत और योगी लोग भी पधारे। उस शुभ कर्म में स्त्रियों के भाई बंधु, अपने बंधुओं का समुदाय, नाना का तथा उनके बंधुओं का कुटुंब, ये सभी सम्मिलित हुए। फिर भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, द्विजवर, कृपाचार्य, पत्नी और पुत्रों सहित धृतराष्ट्र, हर्ष और शोक से भरी हुई, पुत्रों सहित विधवा कुंती तथा विभिन्न देशों में उत्पन्न हुए योग्य राजा और राजकुमार भी आए। नारद, अत्रि, विशिष्ट, चेवन, महातपस्वी, भरद्वाज, याज्ञवल्क्य, भीम, गार्ग्य, महातपस्वी गर्ग, वस, पुत्र सहित धर्म, जगिष्व, प्राशर, पुलय, पुलस्स, अगस्त, सौभ्री, सनक, सनंदन, तीसरे सनातन, भगवान सनत कुमार, वोटो, वंशिक, दुर्वासा, अंगिरा, व्यास, व्यासनंदन, शुकदेव, कुशिक, कौशिक, परशुराम, ऋषि श्रृंग, विभाण्डक, श्रृंगी, वामदेव, गुण के सागर, गौतम, क्रतु, यति, आर्नि, शुक्राचार्य, बृहस्पति, अष्टावक्र, वामन, परिभद्र, वाल्मीकि, पैल, वैशंपायन, प्रचेता, पुरुजित, भृगु, मरीचि, मधुजित, प्रजापति, कश्यप, देवमाता अदिति, दैत्यजननी दिति, सुमंतु, सुभानु, एक कात्यायन, मार्कंडे, लोमश, कपिल, प्राशर, पाणि, परियात्र, मुनिवर, पारिजात, संवर्त, उत्थय, नर, मैं नारायण, विश्वामित्र, शतानंद, जाबाली, तेतीर, योगियों और ज्ञानियों के गुरु, ब्रह्मांश, भूत, संदीपनी, उपमन्यु, गौरमुख, मैत्रे, शुरश्रवा, कठ, कच्छ, करत, धर्मज्ञ, भरद्वाज, ये सभी मुनि शिष्यों सहित वसुदेव जी के आश्रम पर पधारे। उन्हें आया देखकर वसुदेव जी ने दंड की भांति भूमि पर लेटकर सबकी चरण वंदना की। इसी समय अपने वाहन हंस पर सवार होकर प्रसन्न मुख वाले ब्रह्मा, रत्न निर्मित विमान पर आरूढ़ होकर पार्थी सहित शंकर, स्वयं नंदी, महाकाल, वीरभद्र, सुभद्रक, मणिभद्र, पारिभद्र, कार्तिके, गणेश्वर, गजराज, ऐरात पर बैठे हुए महेंद्र, धर्म चंद्रमा, सूर्य, कुबेर, वरुण, पवन, अग्नि, सिमिनीपुरी के स्वामी यम, जयंत, नलकुबर, सभी ग्रह, आठों वसु, बानो गणों सहित ग्यारों रुद्र, बारों आदित्य, शेषनाग तथा अनेकानेक देवगण भी आए। वसुदेव जी के भक्तिपूर्वक भूमि पर सिर रखकर उन सब की वंदना की और भक्तिवश मस्तक झुकाकर परम भक्ति के साथ उन ऋषिगणों, देवेंद्रों तथा देवगणों का स्तवन आरंभ किया। उस समय उनका शीर हर्ष से पुलकायमान हो रहा था। वसुदेव जी बोले, जो पर ब्रह्म, परम धाम, परमेश्वर, प्रातपर, लोकों के प्रतिपालक, वेदों के उत्पादक, सृष्टिकर्ता, सृष्टि के कारण और सनातन देव हैं, वे स्वयं ब्रह्मा, जो देवताओं, मुनिंद्रों और सिद्धिंद्रों के गुरु के भी गुरु हैं, स्वप्न में भी जिनके चरण कमल का क्षण मात्र के लिए दर्शन मिलना परम दुर्लभ है, जिनके स्मरण मात्र से सभी अनिष्ट दूर भाग जाते हैं, वे भगवान शिव, जिनके स्मरण से मनुष्य संपूर्ण संकटों से पार होकर कल्याण का भागी हो जाता है, सर्वप्रथम जिनकी पूजा होती है, जो देवताओं के अगुआ और श्रेष्ठ हैं, कलशों पर भक्तिपूर्वक मंत्रों द्वारा जिनका आवाहन करने से मंगल होता है, जो विघ्नों के विनाशक हैं, वे साक्षात भगवान गणेश, देवताओं के पूज्य भगवान कार्तिकेय, ये सब मेरे घर आए हैं। देवताओं की पूजनीय प्रातपरा सर्वश्रेष्ठा महालक्ष्मी ने भी मेरे गृह में पद अर्पण किया है। जो लोकों की आदि रोपणी, सर्वशक्ति स्वरूपा, मूल प्रकृति ईश्वरी, प्रातपरों से भी परम श्रेष्ठ और परब्रह्म स्वरूपनी है, शरत काल में भक्तिपूर्वक जिनके चरणों की सम आराधना करके मनुष्य अपना अभीष्ट सिद्ध कर लेता है, जो परमाध्या कृपामयी और कृपा परवश हो भारत भूमि पर आविर्भूत हुई है, उन भक्त वसला साक्षात माता पार्वती का संपूर्ण देवताओं और गणों के साथ मेरे मंदिर में शुभ आगमन हुआ है। दुर्गे, क्योंकि आप मेरे घर पधारी है, अतः मैं धन्य और कृतार्थ हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। इस प्रकार वसुदेव जी ने गले में वस्त्र बांधकर हर्षपूर्वक क्रमशः परस्पर सभी देवों, मुनिवरों और विप्रों की स्तुति की।
उन्होंने प्रथम पृथक श्रेष्ठ रथ सिंहासनों पर बिठाया, फिर क्रमशः अलग अलग उनकी विधिवत पूजा की। तत्पश्चात भक्ति भावित हृदय से रत्न मोंगा मणि मोती माणिक्य हीरा भूषण वस्त्र सुगंधित चंदन और पुष्पमालाओं द्वारा ब्रह्मा आदि देवताओं मुनि समूहों ब्राह्मणों और पुरोहित गर्ग जी का एक एक करके वरण किया। तंतर उस शुभ कर्म के अवसर पर सभी के मध्य भाग में स्थित एक रमणीय रथ सिंहासन पर गणेश जी का पूजन के लिए वरण किया और जिसमें 7 तीर्थों का जल, पुष्प चंदन युक्त शीतल स्वासित स्वर्ण गंगा का जल, पुष्कर का पुण्यमय जल और समुद्र का जल भरा था। उस स्वर्ण कलश से तथा शुद्ध पंचामृत और पंचगव्य से भक्ति भाव सहित मंत्र चारण पूर्वक गणेश को स्नान कराया। फिर अग्नि शुद्ध वस्त्र, रत्नों के आभूषण, पारिजात पुष्पों की माला, गंध चंदन पुष्प रत्नों की माला और अंगूठी निवेदित की। नारद, तत्पश्चात जो समस्त देवताओं के अधिपति, शुभ कारक, विघ्नों के विनाशक, शांत ऐश्वर्यशाली और सनातन हैं, उन पार्थिनंदन गणेश की वासुदेव जी ने स्तुति की। श्री नारायण कहते हैं, नारद, तंत्र अदिति दिति देवकी रोहिणी रति सस्ती पतिव्रता यशोदा लोपा मुद्रा अरंधति अहिल्या और तारका, ये सभी महिलाएं पार्थी को देखकर तुरंत ही मंदिर से बाहर निकली और बारंबार आलिंगन करके उन्हें नमस्कार करने लगी। तत्पश्चात परस्पर वार्तालाप करके उन्हें एक रथ निर्मित महल में प्रवेश कराया। वहां उन परमेश्वरी को रमणीय रथ सिंहासन पर बिठाया गया और वस्त्र रत्नों के आभूषणों और पुष्पमालाओं से उनकी पूजा की गई। तत्पश्चात देवकी ने भक्तिपूर्वक उनके चरण कमलों में इंद्र द्वारा लाया हुआ पारिजात का मनोहर पुष्प निवेदन किया। फिर मांग में सिंदूर की बिंदी और ललाट पर चंदन का बिंदु लगाकर उन दोनों बिंदुओं के चारों ओर कस्तूरी और कुमकुम आदि का लेप किया। तत्पश्चात मिष्ठान भोजन कराया, सुवासित शीतल जल पीने को दिया और कपूर आदि से सुवासित सुंदर एवं श्रेष्ठ पान का बीड़ा समर्पित किया। उनके दोनों चरण कमलों के नखों पर अलतक लगाकर पैरों को कुमकुम से रंग दिया और श्वेत चवट ढुलाकर उनकी सेवा की। उत्तम व्रत का पालन करने वाले नारद, इस प्रकार पार्थी देवी का भलीभांति पूजन करके वसुदेव जी की प्रीतमा देवकी ने क्रमशः मुनि पत्नियों, पति पुत्रवती सतियों, राजकन्याओं, देवकन्याओं, सुंदरी शालिनी नागकन्याओं, मुनि कन्याओं और भाई बंधुओं की कन्याओं का भी विधिवत पूजन किया। कौतुकवश नाना प्रकार के सुंदर बाजे बजवाए, मांगलिक कार्य करवाया, ब्राह्मणों को जिमाया, मथुरा की ग्राम देवता भैरवी और मंगल चंडिका का षष्ठी की षोडशोपचार पूजा की। पुण्यकारक एवं मंगल में शुद्ध स्वस्त्यन तथा वेदों का पाठ कराया। तदंतर पुत्र वस्त्रा देवकी ने स्वर्ण गंगा के उत्तम जल से परिपूर्ण स्वर्ण कलश से बलराम सहित श्री कृष्ण को नहलाया और वस्त्र चंदन माला तथा बहुमूल्य रत्नों के बने हुए मनोहर आभूषणों से उन दोनों बालकों का श्रृंगार किया। नारद, यो माता द्वारा दिए गए आभूषणों से विभूषित होकर बलराम और श्री कृष्ण देवताओं और मुनिवरों के उस सभा में आए। उन जगदीश्वर को आए हुए देखकर स्वयं ब्रह्मा शंभु शेषनाग धर्म और सूर्य आदि सभी सभासद बड़ी उतावली के साथ अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। फिर देवगण मुनिगण कार्तिकेय गणेश भगवान ब्रह्मा शिव और अनंत आदि ने पृथक पृथक परमेश्वर श्री कृष्ण की स्तुति की। मुने, इस प्रकार जब देवताओं और मुनियों ने मन ही मन श्री कृष्ण की स्तुति करके विराम लिया तब आंगन में पीले वस्त्र से शोभित श्री कृष्ण को देखा। उसमें उनकी वैसी ही शोभा हो रही थी जैसे मालती की माला से शोभित बक पंक्ति तथा बिजली से युक्त नूतन मेघ की होती है। उनके ललाट पर कस्तूरी युक्त चंदन का मंडलाकार तिलक बादल में छिपे हुए कलंक युक्त चंद्रमा के समान शोभित हो रहा था। उनकी दो भुजाएं थी। उन राधाकांत का शीर श्याम कमनी और मनोहर था। उनके प्रसन्न मुख पर मंद मुस्कान की छटा थी। वे भक्त अंग्रह मूर्ति तथा रत्नों के बाजू बंद कंकन और करधनी से शोभित थे और बलराम सहित पिता की गोद में विराज रहे थे।
तंत्र मनोरम शुभ लग्न के आने पर जबकि लग्नेश उस स्थान में स्थित था, उस पर सौम्य ग्रहों की दृष्टि पड़ रही थी, केवल सदग्रह ही उसे देख रहे थे तथा वह असद ग्रहों की दृष्टि से परे था। ऐसे मंगल काल में देवताओं और ब्राह्मणों की आज्ञा से वसुदेव जी ने स्वस्ति वाचन पूर्वक शुभ कर्म आरंभ किया। उस समय उन्होंने ब्राह्मण को आदर से सौ मोहरे दान देकर देवगण मुनिगण पुरोहित गर्ग जी गणेश सूर्य अग्नि शंकर और पार्वती को नमस्कार किया। फिर उस देव समाज में छह प्रधान देवताओं की भक्ति पूर्वक अक्षत सहित षोडशोपचार पूजा करके वेद मंत्रोच्चारण पूर्वक पुत्र का अधिवासन सुगंधित पदार्थ का अनुलेप अथवा हरिद्रा कर्म किया। फिर अनेकानेक देवताओं दिक्पालों और नवग्रहों का भली भांति पूजन करके षोडश मातृकाओं को भक्तिपूर्वक पंच उपचार समर्पित किया। घी से सात बार वसुधारा दिया। पुनः चैरीराज वसु का पूजन नमस्कार करके वे आगे बढ़े और वृद्धि श्राद्ध को समाप्त करके जो कुछ अन्य देश संबंधी कार्य था उसे संपन्न किया। इसके बाद वेतोक्त यक्त करके हर्षपूर्वक अग्रज बलदेव और परमात्मा श्री कृष्ण को यज्ञ सूत्र जनेऊ पहनाया। मुनिवर संदीपनी ने उन दोनों को गायत्री मंत्र प्रदान किया। पहले पहल पार्वती ने बड़े आदर के साथ बहुमूल्य रत्न द्वारा निर्मित पात्र में रखे हुए मोती माणिक्य और हीरों को भिक्षा रूप में समर्पित किया। फिर वसुदेव जी ने हीरे का बना हुआ हार देकर श्वेत पुष्प और दुर्वा अंकुर द्वारा शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। तत्पश्चात अदिति दीति मुनि पत्नियों देवकी शोदा रोहिणी सावित्री और सरस्वती इन सभी ने हर्षपूर्वक अलग अलग मणि और सन से भूषित भिक्षा प्रदान की। इसके बाद जिनके नेत्र स्निग्ध थे और मुख पर मुस्कान की छटा छा रही थी वे देवकन्याएं नागकन्याएं राजकन्याएं पतिव्रताएं भाई बंधुओं की स्त्रियां इंद्राणी वरुणानी पवन पत्नी रोहिणी कुबेर पत्नी स्वाहा और कामदेव की प्रीतमा रति इन लोगों ने पृथक पृथक रत्न आभरणों से भूषित भिक्षा दी। तब बलराम सहित भगवान श्री कृष्ण ने भक्तिपूर्वक भिक्षा ग्रहण करके उनका कुछ भाग पुरोहित घर को दिया तथा कुछ भाग अपने गुरु संदीपनी मुनि को दे दिया। फिर वैदिक कर्म समाप्त करके गर्ग जी को दक्षिणा दी गई। आदरपूर्वक देवताओं और ब्राह्मणों को भी भोजन कराया गया। तदंतर उस यज्ञ में जो जो लोग आए थे वे सभी बलदेव और श्री कृष्ण को शुभ आशीर्वाद देकर प्रसन्न मन से अपने अपने गृह को लौट गए। तब पत्नी सहित नंद पुत्र ने उस शुभ कर्म को समाप्त करके बलराम और श्री कृष्ण को गोद में लेकर उन दोनों का मुख चूमने लगे। उस समय नंद और पतिव्रता यशोदा उच्च स्वर से रो पड़ी। तब श्री कृष्ण ने बड़े यत्न से उन्हें आश्वासन देकर समझाते हुए कहा, श्री कृष्ण बोले, तात तुम मेरे परमार्था पिता हो और हे माता यशोदा तुम ही मेरी पालन पोषण करने वाली माता हो। अब तुम लोग आनंदपूर्वक शीघ्र व्रज को लौट जाओ। पिताजी, इस समय मैं बलराम जी के साथ वेद अध्ययन करने के लिए मुनिवर संदीपनी के निवास स्थान अवंती नगर को जाऊंगा। चिरकाल के बाद वहां से लौटने पर पुनः आपके दर्शन होंगे। माताजी, काल ही ग्रहण करता है और वही भेद उत्पन्न करता है। यहां तक कि मनुष्यों के जो वियोग मिलन सुख दुख शोक और मंगल आदि हैं उन सब का कर्ता काल ही है। मैंने जो तत्व पिताजी को बतलाया है वह योगियों के लिए भी दुर्लभ है। वे आनंदपूर्वक वह सारा रहस्य तुम्हें बतलाएंगे। इतना कहकर जगदीश और श्री कृष्ण वसुदेव जी की सेवा से चले गए और क्षण भर वहां ठहर कर पिता की आज्ञा से महर्षि संदीपनी के आश्रम को प्रस्थित हुए। तदंतर यशोदा सहित नंद जी विनय पूर्वक वसुदेव देव की से वार्तालाप करके दुखी हृदय से जाने को उद्यत हुए। उसी समय देवकी ने नंद जी को मुक्तामणि स्वर्ण माणिक्य हीरा रत्न और अग्निशुद्ध वस्त्र भेंट किए। वसुदेव जी और श्री कृष्ण ने उन्हें आदरपूर्वक श्वेत अश्व गजराज स्वर्ण और उत्तम रथ प्रदान किए। फिर नंद यशोदा के चलने पर बहुत से ब्राह्मण देवकी आदि प्रमुख महिलाएं वसुदेव अक्रूर और उद्धव भी हर्षपूर्वक उनके पीछे पीछे चले।
जमुना के निकट पहुंचकर वे सभी शोक के कारण रोने लगे। फिर परस्पर वार्तालाप करके वे सब के सब अपने अपने घर को चले गए। मुने तंत्र विद्वा कुंती तरह तरह के रत्नों और मणियों की भेंट पाकर वसुदेव जी की आज्ञा से पुत्रों सहित आनंद पूर्वक अपने ग्रह को प्रस्थित हुई। इधर वसुदेव और देवकी ने पुत्र के कल्याण के लिए अनेक प्रकार के रत्न मणि वस्त्र सोना चांदी मोतियों और हीरों के हार और अमृत तुल्य मिष्ठान भट्ट ब्राह्मणों को आदर पूर्वक हर्ष पूर्ण मन से समर्पित किए। फिर यत्न पूर्वक महोत्सव मनाया गया जिसमें वेद पाठ हरि नाम संकीर्तन और ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। इसके बाद जाति भाइयों को यथोचित रूप से मनोहर मणि माणिक्य मोती और वस्त्र पुरस्कार में दिए गए। श्री नारायण कहते हैं नारद श्री कृष्ण ने बलराम के साथ हर्षपूर्वक संदीपनी के गृह जाकर अपने उस गुरुदेव तथा पतिव्रता गुरु पत्नी को नमस्कार किया और उन्हें भेंट रूप में रत्न मणि समर्पित की। तत्पश्चात उनसे शुभ आशीर्वाद लेकर वे श्रीहरि उन गुरुदेव से यथोचित वचन बोले। श्री कृष्ण ने कहा विप्रवर आपसे अपनी अभीष्ट विद्या प्राप्त करूंगा ऐसी मेरी लालसा है, अतः शुभ मुहूर्त निश्चय करके मुझे यथोचित रूप से विद्या अध्ययन कराइए तथा ओम बहुत अच्छा यो कहकर मुनिवर संदीपनी ने हर्षपूर्वक मधुपर्क प्राशन गौ वस्त्र और चंदन द्वारा उनका आदर सत्कार किया, मिष्ठान भोजन कराया, सुवासित पान का बीड़ा दिया, मधुर वार्तालाप किया और उन परमेश्वर का स्तवन करके कहा। संदीपनी बोले भक्तों के प्राण वल्लभ तुम पर ब्रह्म परम धाम परमेश्वर प्रात पर शिक्षा में स्वयं ज्योति निर्लिप्त अद्वितीय निरअंकुश भक्तों के एकमात्र स्वामी भक्तों के इष्ट देव भक्त अनुग्रह मूर्ति और भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्पतरु हो। ब्रह्मा शिव और शेष तुम्हारी वंदना करते हैं। तुम पृथ्वी का भार हरण करने के लिए इस भूतल पर मायावश बाल रूप से अवतीर्ण हुए हो और माया से ही भोपाल बने हो। योगी लोग जिसे सनातन ब्रह्म ज्योति कहते हैं भक्तगण अपने हृदय में जिस ज्योति का हर्षपूर्वक ध्यान करते हैं जिनकी दो भुजाएं हैं हाथ है मुरली शोभित है सर्वांग में चंदन का अनुलेप लगा हुआ है जिनका सुंदर श्याम स्वरूप है जो मंद मुस्कान युक्त भक्त वत्सल पीताम्बर धारी वन मलाई भूषित और लीला कटाक्षों से कामदेव को उपहासपद एवं मूर्छित कर देने वाले हैं जिनका चरण कमल अलतक के उत्पत्ति स्थान की भांति अत्यंत शोभायमान है और शरीर कौस्तुभ मणि से उद्भासित हो रहा है जिनकी मनोहर दिव्य मूर्ति है जो हर्षवश मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं जिनका सुंदर वेश है देवगण जिनकी स्तुति करते हैं जो देवों के देव जगदीश और त्रिलोकी को मोहित करने वाले सर्वश्रेष्ठ करोड़ों काम देवों किसी कांति वाले कमनीय ईश्वर रहित स्वयं ईश्वर अमूल्य रत्नों के बने हुए भूषणों से भूषित श्रेष्ठ सर्वोत्तम वरदाता वरदाताओं के इष्ट देव और चारों वेदों तथा कारणों के भी कारण हैं वही तुम लीलावश पढ़ने के लिए मेरे प्रिय स्थान पर आए हो। तुम तो स्व आत्मा में रमन करने वाले सर्वव्यापी एवं परिपूर्ण हो, अतः तुम्हारे विद्या अध्ययन रमन गमन और युद्ध आदि सभी कार्य लोक शिक्षा के लिए हैं। तत्पश्चात गुरुपत्नी बोली प्रभु आज मेरा जन्म जीवन पातिव्रत्य तथा तपोवन का वास सफल हो गया। मैंने जिस हाथ से तुम्हें इच्छित अन्न प्रदान किया है वे मेरा दाहिना हाथ सफल हो गया। जो आश्रम तीर्थपाद भगवान के चरण से चिन्हित हैं वे तीर्थ से भी बढ़कर हैं, उनकी चरण रज से ग्रह पावन और आंगन उत्तम हो जाते हैं। तुम्हारा चरण कमल हम दोनों के जन्म मरण का निवारक है क्योंकि दुख शोक भोग रोग जन्म कर्म भूख प्यास आदि तभी तक कष्टप्रद होते हैं जब तक तुम्हारे चरण कमल का दर्शन और भजन नहीं होता। हे भगवान तुम काल के भी काल सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और संहारक शिव के भी ईश्वर तथा माया मोह के विनाशक हो, कृपानाथ मुझ पर कृपा करो। इतना कहते कहते गुरु पत्नी के नेत्रों में आंसू छलक आए।
वे पुनः श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर प्रेम पूर्वक देवकी की तरह दुग्ध पान कराने लगी। तब श्री कृष्ण ने कहा, माता तुम मुझ बालक की स्तुति कैसे कर रही हो, क्योंकि मैं तो तुम्हारा दुधमोहा बच्चा हूँ। अब तुम इस प्राकृतिक मिथ्या नश्वर शरीर को त्याग कर और जन्म मृत्यु एवं बुढ़ापे का हरण करने वाले निर्मल देह को धारण करके अपने पति देव के साथ अभिष्ट गोलोक को जाओ। यों कहकर श्री कृष्ण ने एक ही महीने में परम भक्ति के साथ मुनिवर संदीपनी से चारों वेदों का अध्ययन करके पूर्व काल में मरे हुए उनके पुत्र को वापस लाकर उन्हें समर्पित कर दिया। फिर लाखों लाखों मणि रत्न हीरे मोती माणिक्य त्रैलोक्य के दुर्लभ वस्त्र हार अंगूठियां और सोने की मोहरे दक्षिणा में दी। तत्पश्चात स्त्री के सर्वांग में पहने योग्य अमूल्य रत्नों के बने हुए आभूषण और अग्निशुद्ध श्रेष्ठ वस्त्र गुरु पत्नी को प्रदान किए। तदंतर मुनि वह सब सामान अपने पुत्र को देकर स्वयं पत्नी के साथ अमूल्य रत्न निर्मित रथ पर सवार होकर उत्तम गोलोक को चलेगी। उस अद्भुत दृश्य को देखकर श्री कृष्ण हर्षपूर्वक अपने ग्रह को लौट गए। नारद, इस प्रकार ब्रह्मण्य देव भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को श्रवण करो। ये स्तोत्र महान पुण्यदायक है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इसका पाठ करता है उसकी निसंदेह श्री कृष्ण में निश्चल भक्ति हो जाती है। इसके प्रभाव से कीर्तिहीन परम यशस्वी और मूर्ख पंडित हो जाता है। वह इस लोक में सुख भोगकर अंत में श्री हरि के पद को प्राप्त होता है। वहाँ उसे नित्य श्री हरि की दास्ता सुलभ रहती है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है।